देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? इफ ए वन ए टू अप टू ए एन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी, देन द सम ऑफ साइन डी कॉसेक ए कॉसेक ए टू प्लस कॉसेक ए टू कॉसेक ए थ्री अप टू कॉसेक ए एन माइनस वन कॉसेक ए एन इज इक्वल टू। मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊंगा, नंबर वन ट्रिक जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, और नंबर टू कंप्लीट मैथड जिससे कंसेप्ट बिल्ड होंगे। ओके, और यही तरीका आप पढ़ने का रखिए तो आपको फायदा होगा। सबसे पहले हम ये समझें कि आपको बोला है ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ए एन एपी में है। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में दिया है, तो जैसे हम अक्सर ए बी सी एपी के क्वेश्चन होते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं 36 वो 1 2 3 2 4 6, यहां पर हम एंगल मान लें। क्या एंगल मान लें? जैसे अगर आपने एंगल लिया 30 60 और 90, अभी हम दो ही टर्म ले लें केवल 30 और 60, इसका मतलब मैंने ए वन को ले लिया 30 डिग्री और ए टू को ले लिया 60 डिग्री, राइट अब कॉमन डिफरेंस होगा 30 डिग्री। अब ए वन ए टू ही मान रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन यही खत्म हो गया, थ्री पे नहीं जाना, आगे तक नहीं जाना, राइट अब मैं यहां रखूं तो साइन 30 डिग्री, फिर मैं मेथड से ही बताता हूं, आपने रखा कॉसेक 30 और कॉसेक 60। अब साइन 30 होता है 1/2, कॉसेक 30 होता है 2, ये हो गया 2/√3, यानी मिला आपको 2/√3, एक 2 कैंसिल। अब ऑप्शन में भी यही वैल्यू रखिए जो 2/√3 दे, तो एक तो ये तो देगा ही नहीं, ये रखते तो ये 1/2 − √3/2 ये भी नहीं देगा, ये रखते तो 2 माइनस ये भी नहीं देगा। अब यही एक ऑप्शन बचता है, देखिए अब आप यहां रखते कॉट 30 तो √3 − 1/√3, देखिए क्या आ गया 2/√3, यानी आपने स्पीड में ये आंसर बता दिया, दिस इज द राइट आंसर। अब इसका एक प्रॉपर मेथड भी होता है, वो भी समझ लीजिए क्योंकि वो टफ नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान दें कि साइन डी अपॉन, इसको साइन में कन्वर्ट कर लें तो साइन ए वन इंटू साइन ए टू, सिमिलरली अगले स्तंभ में लिखते साइन डी अपॉन साइन ए टू इंटू साइन ए थ्री, ऐसे चलते 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 साइन डी अपॉन साइन ए एन साइन ए एन माइनस वन। अच्छा डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस है। अब ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन एपी है, तो इनके कोई भी दो टर्म का डिफरेंस डी होगा, तो इसका मतलब मैं इसे चाहूं तो ऐसा लिख सकता था साइन ए टू माइनस ए वन, अब इसी पोर्शन को करें सिमिलरली वो हो जाएगा अपॉन साइन ए वन इंटू साइन ए टू। अब मैं बोलूं अलग अलग लिखो तो आप लिखते साइन ए टू इंटू कॉस ए वन, सॉरी ऐसा लिखते साइन ए टू आप लिखते साइन ए टू कॉस ए वन माइनस, एक ही पोर्शन को कर रहे हैं कॉस ए टू साइन ए वन अपॉन साइन ए वन साइन ए टू। अब देखो साइन ए टू कैंसिल तो आपको मिल गया एक तरह से कितना कॉट ए वन माइनस कॉट ए टू। सिमिलरली जब आप अगले पे जाएंगे, देखिए 1 2 में ये मिला, तो जब आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कॉट ए टू माइनस कॉट ए थ्री, ऐसे ही चलते 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 आप जाएंगे कॉट ए एन माइनस वन, क्योंकि छोटा वाला मिला माइनस कॉट ए एन। अब देखिए क्या होगा कि सेकेंड टर्म इससे कैंसिल होगा थर्ड इससे, तो कॉट ए वन बचेगा और माइनस का कॉट ए एन बच जाएगा, यानी मेथड और कंसेप्ट और ट्रिक्स जितनी स्ट्रांगली क्लियर होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा।